our today's class will proceed with our next exercise. That is exercise 8. That is exercise 8. देखो तो जहां तक एक्सरसाइज 8.2 की बात आती है, इसका जो कंसेप्ट है वो आपके लिए न्यू। आपको याद होगा आपने क्लास 10 में पढ़ा था एपी, राइट? एपी में क्या होता था, जो भी सीक्वेंस होता था आपका उसमें क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था। क्या होता था? कॉमन डिफरेंस, राइट? अब जो 11th क्लास में आपका कंसेप्ट आएगा वो एपी का जो नेक्स्ट लेवल होता है, यानी किसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका वो होता है जी। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे एपी में क्राइटेरिया क्या होता है कि डिफरेंस जो होगा सभी टर्म्स का क्या होगा, कॉमन होगा, के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा। इसी तरह से जीपी में जो क्राइटेरिया होता है, जीपी में जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि सभी टर्म्स के बीच में रेशियो कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन रेशियो। यहाँ हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस जो आपका डी होता है, यहाँ बात करते हैं कॉमन रेशियो जो आपका, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर मैं एपी में आता हूँ। एपी में आपकी जनरल टर्म क्या होती थी, आप उसको ए एन कहते थे, वो किसके इक्वल होती थी? ए प्लस एन माइनस वन इन डी, राइट? इसी तरह से ना सिमिलर वे जीपी में भी क्या होती है, आपकी जनरल टर्म होती है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस। अब दोनों के एग्जाम्पल को मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया 2, 4, 6, 8, राइट? या आपका हो गया 3, 6, 9, 12, हो गया ना आपका? या मैंने कह दिया 1, 5, 9, ठीक है, या 13, या कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन यहां मैंने ले लिया 5, 10, और यहाँ पे क्या लोगे आपका 20, यहाँ पे क्या लोगे आप 40। अब देखो है क्या, मैं पहले इन दोनों की बात करूं। आप इसको देखो, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है जो आगे वाली टर्म है उससे जब आप पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, A1, सेकेंड A2, फिर A3 और फिर A, तो जो आप A2 माइनस A1 जब आप यहाँ करोगे, A2 माइनस A1, क्या कहा, A2 माइनस A1, तो आप देखोगे ये होगा 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। ऐसे अगर आप A3 माइनस A2 करते, यानी कि 9 माइनस 5, तो ये भी क्या आएगा आपका 9 माइनस 5, भी क्या आएगा आपका 4 है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अगर मैं आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को डिवाइड कर, यानी कि 5 बाय 10, मैंने क्या किया, ये जो टर्म है ये क्या है आपका A1, ये क्या है आपका A2, ये क्या है आपका A3, ये क्या है आपका A, तो आपने क्या किया, जैसे कि आप कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो हो गया आपका A2 बाय A1, कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, A2 बाय A2 का मतलब जब आप इस टर्म से इस A1 वाली टर्म को डिवाइड करो तो देखो क्या आएगा, 2 आएगा। इन अ सिमिलर वे आप A2 बाय A1 तो आगे करोगे तो क्या होगा, A3 बाय A2। अब मैं A3 बाय A2 फाइंड कर, ये भी देखो क्या आएगा, 20 बाय 10, तो ये भी 2 बार है। इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इसमें क्या होता है आपका A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, यही आपने पढ़ा था 10th क्लास में, राइट? बट जीपी वाले केस में क्या होता है, A2 बाय A1 इज इक्वल टू A3 बाय A2, और ये आपका किसके इक्वल होता है, कॉमन रेशियो के इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, और जीपी की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, An इक्वल टू Ar रेस टू पावर n माइनस। चलो मैं आगे, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सम ऑफ टर्म्स, इसकी बात करते हैं सम ऑफ एंड टर्म्स। तो जहां तक सम ऑफ एंड टर्म्स की बात आती है, अगर मैं एपी की बात करूं तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े, एक Sn इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एन माइनस वन इन टू, राइट? दूसरा क्या पढ़ा था, Sn इज इक्वल टू n/2 ए प्लस An, ये समझ में आ गया? ठीक है ना, सिमिलर नोट अगर मैं जीपी की बात करता हूँ, जीपी के भी दो फॉर्मूले,
लेकिन उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, आप कॉमन रेशियो फाइंड करते हो आर, अगर आपका आर 1 से बड़ा है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, समझ आ गया। दूसरा फॉर्मूला केस क्या बनता है, इफ आर इज लेस देन वन, अब बड़ा कौन है 1, तो इसमें 1 को पहले रख, तब आपका एस एन क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस। तो ये तो कंसेप्ट था आपका, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। अब एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ये आपको आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जीपी है, तो हमें चेक तो करना नहीं है, हमें डायरेक्टली क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। जब टर्म फाइंड करने की बात हो रही है तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, जनरल टर्म या सम ऑफ टर्म, जनरल टर्म। आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जीपी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जीपी इज, तो आपकी गिवन जीपी क्या है, 5/2, 5/2, 5/4 और 5/8, डॉट डॉट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड 20th टर्म। नाउ वी नो दैट, अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, ए एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस, एपी और जीपी का ये डिफरेंस बताया था। अब आप ये देखो आर कैसे, अब उसने कहा है कि ये जीपी है, मुझे चेक तो करना है, नहीं सिर्फ आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने का वे क्या बताया था, आर इज इक्वल टू, या तो आप आगे वाली टर्म कोई भी, ऐसे अगर ए टू है तो उसको ए वन से डिवाइड कर दो और ए थ्री को आप डिवाइड कर दो ए टू से। जब आप डिवाइड करोगे इन दिस केस ए टू आपका क्या है, देखो ए टू है आपका 5/2, ए टू क्या है आपका 5/2 और ए वन आपका क्या है 5/2, तो कैन आई से दैट यहाँ जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/4। अब इस फ्रैक्शन को जैसे आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, क्या हो जाएगा 2/4, तो 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, कैन आई से दैट आर मेरा 1/2 आ गया, आर आपका क्या आ गया 1/2, और ए जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है फर्स्ट, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, आर क्या होता है कॉमन रेशियो और एन होता है नंबर। अब हमें फाइंड करना है, देखो ए एन आपका ए आर एस टू पावर एन माइनस वन है, आपको फाइंड करना है पहले 20th टर्म, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 20। नाउ ए 20, देखो ए एन था तो आर एस टू पावर हो गया एन माइनस वन, यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है यहाँ उससे कम हो, कैन आई से दैट ए 20 जो होगा आपका वो ए आर एस टू पावर 19 होना चाहिए, के आर एस टू पावर क्या था एन माइनस, क्या था एन माइनस। अब ए कितना है आपका, ए आपका है ए यहाँ पर कितना है आपका 5/2, तो ए की जगह क्या हो जाएगा 5/2, ए की जगह क्या हो जाएगा 5/2, आर हो गया 1/2 रेस टू पावर क्या हो जाएगा 19, रेस टू पावर क्या हो जाएगा 9। अब कैन आई से दैट 5 इंटू, देखो 1 रेस टू पावर 19 करोगे तो 1 ही आया, ये हो गया 2 रेस टू पावर 1 और 2 रेस टू पावर 19, ए 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। अब ज्यादा दिमाग चला के ना इसको सॉल्व करने में बैठ, बस यही आंसर, ठीक है। दूसरा आपको क्या फाइंड करना था, एन एन टर्म, जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके, एन एन टर्म तो ऑलरेडी फॉर्मूला ही हो गया आपका, एन एन टर्म क्या होगा आपका, बस आपको वैल्यू पुट करनी है ए आर एस टू पावर एन माइनस, ए कितना है हमारा 5/2, आर क्या आपका 1/2, रेस टू पावर क्या हो जाएगा एन माइनस, एग्री करते हो, तो ये हो जाएगा 5, 1 की पावर कुछ भी रखोगे 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 रेस टू पावर क्या हो जाएगा एन माइनस, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, अब अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 रेस टू पावर n-1+1, दैट इज n, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई डाउट है तो क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 190। देखो फाइंड क्या करना है पहले, तो 12th टर्म की बात समझ में आ रही है। गिवन क्या है? 8th टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे गिवन वाला पार्ट, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, 8th टर्म। 8th टर्म का मतलब 8 किसके इक्वल है, 190। अभी मैंने कहा था ए आर रेज टू पावर एन माइनस, यानी कि जो भी टर्म होते हैं उससे एक कम। कैन आई से दैट ए8 का मतलब हो गया ए आर रेज टू पावर 7। एग्री करते हो? ये किसके इक्वल होगा, 192 के। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, पुट आर इज इक्वल टू 2। जैसे आप आर इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 192। ए आप फाइंड कर सकते हो, ए इक्वल टू क्या होगा, 192। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है, 64। 7 कितना होगा, 128। तो कैन आई से दैट 192 बाय 128। चलो एग्री करते हो, ठीक है। अब इसको अगर मैं 128 को 4 से, सॉरी 128 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, किस पर जाएगा, 2 9 से 18 कर देते हैं, 1 2 2 6 12, 2 6 12 2 4 जाए, 2 3 6 2 2 4 2 4 8 2 8 16, 16 2 32 16 3 48। ए आपका कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, एग्री करते हो। ए कितना आ रहा है हमारा, 3/2। अब ए भी आ गया आ रहा आपको गिवन था, फाइंड क्या करना है, 12th टर्म। नाउ 12th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, a12, व्हिच इंप्लाइज a12 इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर एस टू पावर 11। ए आपका कितना है, 3/2। आर क्वेश्चन में कितना की बना है आपको, 2। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा 2 रेज टू पावर 11। आर की जगह आ जाएगा 2 रेज टू पावर 11। क्या मैं इसको ले सकता हूँ, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10। अभी आपने देखा 2 रेज टू पावर 7 कितना था, 128 था। उसके साथ 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 2 16, और 6 कितना हो जाएगा, 22। 8 1 8 2 10, तो ये हो गया 3 इंटू 102 होगा। अब ये भी मल्टीप्लाई जो आपको पॉसिबल है कैलकुलेशन उसको तो करके दिखाना है, 3 4 12, 3 2 6 4 1 7, 3 0 0 3 1 3, ये आपका आना चाहिए 3 0 7। इज इट क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ एट एंड इलेवन टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है कि आपको ये कहा जा रहा है a5 जो है आपका वो पी के, समझ में आ रही है, ठीक है। देन एट टर्म इज इक्वल टू क्यू, तो आपको ये कहा जा रहा है जो a8 है दैट इज इट इज इक्वल टू क्यू। देन इलेवन टर्म इज इक्वल टू एस, तो आपको ये कहा जा रहा है a11 जो है वो एस के। अब फॉर्मूला वाइज a5 का मतलब क्या है, ar^4 = p, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एट मीन्स ar^7 = q, a11 मीन्स ar^10 = अब आपको ये कहा जा रहा है शो दैट, बट वी हैव टू शो दैट q^2 = p, टू शो वी हैव टू शो दैट q^2 = p। तो देखो q की वैल्यू क्या है, ar^7। कैन आई से दैट ar^7^2 इक्वल टू p, p क्या हो जाएगा आपका, ar^4 × s, तो ये क्या हो जाएगा, ar^10। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेस आपका a(a) = a² r^4 × r^10, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो 14 हो जाएगा, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो a² करोगे तो क्या होगा, a² और 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14। r^4 भी क्या आ रहा है, 14। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द फोर टर्म ऑफ ए जीपी स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अगर मैं फोर टर्म की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट
फोर्थ टर्म दैट इज ए फोर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज ए टू यही होगा ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है जो इसका फर्स्ट टर्म है, जो जीपी की फर्स्ट टर्म है वो क्या है माइनस, तो आपको इसकी सेवन टर्म फाइंड कर, क्या फाइंड करनी है सेवन। अब देखो ए फोर का मतलब क्या है, ए आर एस टू पावर थ्री है, और ए टू का मतलब क्या होगा ए आर एस टू पावर वन यानी कि ए आर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको जो ए है फर्स्ट टर्म है वो क्या माइनस, पहले आप ये देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए आर एस टू पावर थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर होगा होगा यहाँ पे मानते हो ठीक है। ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से ये आर, बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया कि ए जो हमारा आर के। अब क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू की पता, फर्स्ट टर्म क्या है आपका माइनस, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस, ए इक्वल टू क्या है माइनस थ्री वाई इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आर इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस। अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सेवन, आपको फाइंड करना है सेवन टर्म। नाउ सेवन टर्म शिल बी इक्वल टू ए आर रेज टू पावर सिक्स, एग्री करते हैं क्या हो जाएगा, ए हो गया माइनस थ्री, आर हो गया माइनस थ्री रेज टू पावर सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस थ्री रेज टू पावर, डायरेक्टली आप इसको क्या लिखोगे माइनस थ्री रेज टू पावर सेवन, माइनस थ्री रेज टू पावर सेवन, इज इट क्लियर ठीक है। विल बी इक्वल टू माइनस टू वन एट ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टू टू रूट टू कॉमा फोर इज 128। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था 10th क्लास में आप क्या लिखते थे, लेट एन दैट टर्म, यहाँ भी आप यही मेंशन करोगे लेट लेट एन दैट टर्म इज इक्वल टू 128। एन दैट टर्म का मतलब ए है, ए एन किसके इक्वल है 128 के, तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, अगर ए पी होता तो कुछ ऐसे लिखते हैं ठीक है। अब जीपी में अगर ए एन ए 128 के इक्वल है तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस, तो ये किसके इक्वल होगा 128 के। अब मुझे बताओ यहाँ ए क्या है, टू, ए क्या है हमारा आर, आर आपको फाइंड करना है। अब देखो आर क्या होगा, अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ए टू बाई ए वन, ए टू बाई ए वन, तो ये क्या हो जाएगा टू रूट टू बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मेरा जो आर आ रहा है वो क्या आ रहा है रूट टू रेज टू पावर एन माइनस, रूट टू रेज टू पावर एन माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 128। 128 टू रेज टू पावर क्या होगा सेवन, 128 क्या होता है टू रेस टू पावर सेवन, लेकिन अगर मैं टू से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 64 हो गया। बेसिकली देखो रूट टू का मतलब यही हो गया टू रेस टू पावर एन माइनस वन बाय टू, पहले बताओ ये समझ में आया, और ये हो गया टू रेस टू पावर सिक्स। अब अगर बेस सेम है तो पावर के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हो गया इट इंप्लाइज एन माइनस वन बाय टू इक्वल टू क्या होगा सिक्स, एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा टू इंटू सिक्स क्या हो जाएगा ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स क्या हो जाएगा ट्वेल्व, विच इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू क्या आ गया थर्ड ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था विच टर्म इज 128, तो आप क्या कहोगे देयरफॉर देयरफॉर 13th टर्म ऑफ गिवन जीपी, 13th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 120, इज इट क्लियर ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो अगेन 729, सेम वे लिखोगे लेट एन दैट टर्म दैट ए एन बी इक्वल टू 729। अब ए एन का मतलब क्या हो गया ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये किसके इक्वल हो गया 729। ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म, ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा तो ए की जगह आ गया आपका रूट आर, आर क्या होगा आपका पी बाय रूट थ्री, आपने इसको क्या किया होगा पी को आप क्या लिख सकते हो रूट थ्री इंटू रूट थ्री राइट, जब इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट थ्री, तो
रेज टू पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 720। अब अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो एन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया रूट, हो गया रूट थ्री, रूट थ्री रेज टू पावर एन, और इक्वल टू क्या हो गया, 729। उसको मैं लिख सकता हूँ थ्री रेज टू पावर एन बाय टू, 729 थ्री रेज टू पावर क्या हो, 6। तो अगर बेस सेम है आपका, अगर बेस सेम है एन बाय टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6। एन इक्वल टू क्या आएगा आपका, से क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अगेन आपको पूछा जा रहा है ये जो आई सीक्वेंस की कौन सी टर्म हो, तो आप क्या कहोगे, अगेन लेट ए एन इज इक्वल टू 1/1968। ए एन का मतलब क्या हो गया, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1968। ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ए की जगह क्या हो जाएगा, 1/3। आर, आर आपने फाइंड किया होगा ए टू बाई ए वन, ए टू है 1/9, ए है, ए वन क्या है, 1/3। इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इट इज इक्वल टू 1/3। तो आर की जगह भी क्या आएगा, 1/3 रेज टू पावर एन माइनस। देखो ये जो 1968 है ये होता है 3 रेज टू पावर 1, क्या होता है, 3 रेज टू पावर 9। न्यूमरेटर में तो आपको पता 1 ही आया, लेकिन डिनोमिनेटर का मतलब है 3 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस, समझ में आ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 रेज टू पावर 9, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर बेस सेम है तो पावर एडअप हो, तो एन माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर n, हो गया 1/3 रेज टू पावर 9। अब अगर आप इसको इक्वेट करते हो तो कैन आई से दैट, देखो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 रेज टू पावर n इक्वल टू 3 रेज टू पावर 9, तो बेस सेम तो पावर भी इक्वल होगी, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 9। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, इज इट क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x और -7/2 आ रहे हैं। आप लोग ये बताओ, आपने जब एपी पढ़ा था उसमें हम कहते थे एबीसी आर इन एपी, इफ एबीसी आर इन एपी तो इनके बीच में एक रिलेशन होता था, याद है किसी को क्या होता, डी तो होता था, तीनों नंबर्स को रिलेशन में कैसे लिखते हैं, हम लिखते थे बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय, कुछ याद आ रहा है, बी इक्वल टू, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, पहले बताओ ये एपी है ना एपी, तो देखो मैंने कहा बी, बी क्या है आपका 4, ए क्या है आपका 10, सी क्या है आपका 6/2, 12/4 के, तो एपी में तीन टर्म्स के बीच में ये रिलेशन, सेम कंसेप्ट होता है आपका जीपी, अगर मैं जीपी का कंसेप्ट इसी तरह से लिखता हूँ, मीन्स इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर आप कहते हो कि ये किसमें है, जीपी में, तो क्या होगा, बी इक्वल टू होगा स्क्वेयर रूट ऑफ एस, बी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एस। अब देखो ये भी मैं आपको चेक करवा, फॉर एग्जाम्पल 2, 4 और 8, मान तो ये जीपी है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 4 को 8 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, है ना ये जीपी। अब देखो ये क्या है आपका 4 इक्वल टू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, समझ में आ गई, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ यूज कर, यहाँ पर क्या आपके टर्म्स है, -2/7x और -7 एस, -2/7x -7/2 आर इन जीपी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी, यस और नो, क्लियर है हमें, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 1, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक तरह से प्लस माइनस 1, क्या होगा, वैल्यू तो प्लस माइनस में होगी, ठीक है, प्लस माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 7 to 10। अब आपको सम फाइंड, देखो सम फाइंड करने की दो कंडीशन मैंने बताई। अगर आर आपका 1 से बड़ा हो क्वेश्चन क्या होगा बताओ। ए आर रेज टू पावर एन -1 अपॉन आर -1। अगर आर आपका 1 से छोटा हो यानी कि 1 बड़ा है, तब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। ए 1 - r^n अपॉन 1 - यही बड़ा था, ठीक है। अब आप इधर देखो, यहाँ ए क्या है आपका, एग्री करते 0.15 है। व्हाट अबाउट आर, 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। अब आप ये बताओ, अगर मैं डेसिमल को रिमूव कर दूं तो 1 2 3, 1 2 इस डेसिमल को रिमूव करता हूँ तो न्यूमरेटर में 2 0 आ जाएगी। अब इसको जरा सॉल्व करो, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, बेसिकली ये क्या हो गया 15/1। इसको आप क्या लिखोगे, 1/10। इसको आप क्या लिखोगे, 1/10। तो आपका आर कितना आ गया, आर आपका आ रहा है 0.1। अब ये 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, छोटा, दैट इज आर इज लेस देन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट वाला है सेकेंड वाला, सेकेंड, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब टू 20th टर्म, तो ये एग्री करते हैं, ये आपकी दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। नाउ अगर आर 1 से छोटा है तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, ए 1 - r^n अपॉन 1 - ये क्लियर है, ठीक है। विच इंप्लाइज एन की जगह तो आ जाएगा 20, ए हमारा कितना है 0.15, यहाँ आ जाएगा 0.15। 1 - r क्या है आपका 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, और एन की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 1 - r 0.1। 1.00.1 कितना हो जाएगा 0.9, तो ये हो गया 0.15। ये हो गया 1 - 0.1^20 फोन में क्या हो जाएगा 0.,। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 00 आ जाएगा, ये एक सिंगल 0 आ जाएगा, हो जाएगा। तो 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90 और 0, 0 से 0 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या, 1/6 1 - 0.1^4। कुछ समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट टर्म इज √7, √21 3√7। अब आपको जो सम फाइंड करना टिल एंड टर्म तक फाइंड करना, राइट। बताओ ये क्या 7। व्हाट अबाउट आर, 221/√7 विच कैन बी रिटर्न एज 21/7 विच इज इक्वल टू। अब √3 आपको पता 1.7 समथिंग है, का मतलब जो यहाँ पर आ रहा है आपका वो 1 से क्या है बड़ा है, आर की वैल्यू जो 1 से क्या है ग्रेटर है। अब आर 1 से ग्रेटर होने का मतलब एस एन क्या होना चाहिए आपका, ए r^n - 1/r - पहले बताओ, ये क्लियर है, ठीक है। अब ए की जगह क्या रखोगे, √7 आर √3^n - 1, फिर आर माइनस वन क्या हो जाएगा √3। कितनी बार समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यही छोड़ दिया या कुछ किया, यही छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये देखो, तो देखो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा √7 √3^n को आप ले सकते हो 3^n/2 - 1 अपॉन √3। बाय रैशनलाइजिंग इट व्हाट वी विल हैव, √3 + 1 अपॉन √3 प्लस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू √7 विद इन ब्रैकेट 3^n/2 - 1 √3 + 1। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, a - b a + b क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री माइनस वन डायरेक्टली लिखो टू, तो ये आपका फाइनल आंसर, इसे क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। गिवन टर्म्स आर वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू एन, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू माइनस, ए इज नॉट इक्वल टू माइनस, अब आपको क्या करना है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू माइनस, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप टू एन टर्म्स तक का सम निकाल, ए यहां पर क्या होगा वन, व्हाट अबाउट आर माइनस ए बाय वन विच इज इक्वल टू माइनस ए, विच इज इक्वल टू माइनस ए। अब एक बात बताओ, अगर ए माइनस वन के इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू माइनस, क्या यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि आर जो है आपका वन से बड़ा है वन से छोटा है, क्या हम ये जज, नहीं कोई स्पेसिफिक वैल्यू है हमारे पास ए की, ये तो कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो जब भी ऐसा केस हो जाता है कि हमें ये नहीं पता होता कि आर जो है वन से बड़ा है वन से छोटा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आर जो है वन से छोटा है, फिर से रिपीट करो, इफ इट इज नॉट क्लियर वेदर आर इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, बट वी विल अज्यूम दैट आर इज लेस देन, तो आप वही वाला केस लोगे कौन सा, आर इज लेस देन, जैसे कि इस केस में आपको नहीं पता कि आर वन से बड़ा है या वन से छोटा है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि आर इज लेस देन, ठीक है, तो अगर आर लेस देन वन है, अगर आर लेस देन वन है तो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, लाओ एस एन इज इक्वल टू ए, आर इज टू पावर एन होगा या वन माइनस होगा, वन माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, और ए आपका कितना है वन, वन माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन में क्या हो जाएगा वन माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा माइनस, बस यही आपका, यही से आंसर बन जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस, ठीक है, और ये माइनस ए रेस टू पावर एन अपॉन में क्या हो जाएगा वन प्लस सिक्स, समझ में आ रहा है, क्लियर है अब तक, आप इतना भी लिखे इसको छोड़ सकते, इज इट क्लियर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन व्हाट अबाउट फर्स्ट टर्म ए, ए आपका क्या है एक्स रेस टू पावर, व्हाट अबाउट आर ए टू बाय ए वन दैट इज एक्स रेस टू पावर फाइव अपॉन एक्स रेस टू पावर थ्री विच विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब अप टू एन टर्म, अगेन क्या यहाँ से जज हो रहा है, देखो उसने कहा एक्स जो है ना प्लस वन के इक्वल है ना माइनस, एक्स होने को जीरो भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से भी हमें ये क्लियर नहीं है कि एक्स आर जो एक्जैक्टली वन से बड़ा है या वन से छोटा है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि आर जो है वन से छोटा है, तो ऐसा क्या लेंगे हम ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है, ए आपका क्या है एक्स रेज टू पावर वन माइनस, वन माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर रेज टू पावर क्या हो जाएगा एन अपॉन वन माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है, बस यही आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, एक्स क्यूब ये हो जाएगा वन माइनस एक्स रेज टू पावर टू एन अपॉन वन माइनस एक्स, दैट्स इट, इसी द फाइनल आंसर, कितने क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन, क्लियर है तक, ठीक है।